तेलंगाना में मैंने देखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल किसानों का जो कष्ट है, मुश्किल है, मैंने देखा है। उसके बाद में पूरी तलाटी व्यवस्था हमने बर्खास्त कर दिया है तेलंगाना में। तलाटियों का जो काम है आप जानते हैं, हमारी भूमि उनके नाम पे लिख दे, इनका भूमि उनके नाम पे लिख दे, वहां पूरा तलाटी व्यवस्था ही बर्खास्त कर दिया कानून बना के। उनके पेट में नहीं मारा हमने, दूसरे डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दिया और तलाटी व्यवस्था निकाल के धरणी बोल के एक पोर्टल ला के सारे जमीन का रिकॉर्ड हमने डिजिटलाइज कर दिया। उसके लिए उस माध्यम से यह सुविधा होता है किसानों को, दान खरीदते हैं, किसी के पास फिरने की जरूरत नहीं है, सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। जो 5,000 हर फसल के लिए हम निवेश के लिए देते हैं, वो भी सीधा, ना दरखास्त जा देना है, ना दफ्तर जाना है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, हैदराबाद से जाता है। किसान का जो बीमा है उसके लिए कहीं दरखास्त नहीं देना है, सीधे उनके अकाउंट में, बैंक में चले जाता है। ये संभव बात है। ये बात जब तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकता? यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा सवाल है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, पूरे अन्य भारत में क्यों नहीं? ये संभव होते हुए भी एक राज्य में, हिंदुस्तान के एक हिस्सा में हो रहा है, बाकी भारत में क्यों नहीं? इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, ये पूरे भारत के किसानों के जंग है, उनके प्रतिनिधि है बीआरएस पार्टी, सिर्फ महाराष्ट्र या तेलंगाना किसी एक राज्य का नहीं है। और आखिरी में मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा, बालके जी ने कुछ बात रखा, उन्होंने, पिताजी थे उनके, बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, 3-3 बार आपने उनके, आपके प्यार दिया, उनको जिताया, उनकी मृत्यु हो गई, भगवान ने हमारे साथ नहीं रखा उनको, उनको मैं आश्वासन देता हूं, बिल्कुल मैं उनसे बड़ा हूं, उनको पूरा आशीर्वाद मेरा उनके साथ होगा, बालके जी के साथ। आज हम पूरे तेलंगाना राज्य को लाके यहाँ विठोबा जी के दर्शन करवाए, घर बुलाए और खाना भी खाएंगे हम लोग जाके, आप लोग भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे, इतना हमारे साथ जो खड़े हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के जो दरवाजा खोले हैं बालके दादा, उनके पूरा हमारे साथ होगा, हमारे आशीर्वाद उन पे होगा, हम पूर्ण तरीके से उनके साथ होंगे। आप सब लोग भी साथ दीजिए, एक युवा नौजवान क्या चाहिए, नौजवान लीडर है, नौजवान नेता है, उनके काफी भविष्य है। ये एमएलए चुने जाते हैं तो एमएलए नहीं रहेंगे, मैं आश्वासन देता हूं, इनको मंत्री पद भी मिल सकता है, काफी ऊंचे भी जा सकते हैं, आगे चलकर बहुत बड़ी उनकी तरक्की हो सकती है। उनकी तरक्की यानी पंडरपुर मंगलवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की है, सोलापुर जिले की तरक्की है, महाराष्ट्र राज्य की तरक्की है, बालके जी का व्यक्तिगत तरक्की नहीं है, उनको भगवान ने जो दिया दिया है, उनको कोई खाने की कमी नहीं है, लेकिन पूरे राज्य का विकास, पंडरपुर का विकास, हर चीज का विकास उनके जरिए हो जाएगा। ये युवा है, मैं इनसे बहुत बड़ा हूं, इसे युवा लोगों का मार्गदर्शन में पूरे किसान एकत्रित होके आप चल पड़े तो हर चीज संभव है, कोई असंभव नहीं है, कोई नहीं होने वाला कार्य नहीं है। एक बात मैं अंत में कहूंगा, हम जब फल के अपेक्षा करते हैं, फल का ही पौधा लगाना चाहिए। कई महान संतों ने कह दिया है कि बोया पेड़ बबूल का, आए कहां से आम। आम का अपेक्षा है तो आम का पौधा लगना चाहिए, कांटों का पेड़ पौधा लगा के फल का अपेक्षा करें हमको नहीं मिलेगा। गाय से दूध लेना है तो गाय को घास दीजिए, गधों को घास दे दो और गाय को दूध पूछो, कहां से मिलेगा हमको? हमारे वोट में वो ताकत है, वो दम है, हम बटे नहीं गए तो बिल्कुल हमारा काम बन जाएगा। मैं आपके भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं अपने आप में किसान हूं और मैं गर्व करता हूं, फख्र करता हूं, भगवान ने मुझे किसान के घर में जन्म दिया, किसान के घर से ही मैं पैदाइश हूं, किसान होने का मैं फख्र करता हूं, बिल्कुल फख्र करता हूं, मुझे फख्र है किसान होने के लिए। इसीलिए मैं खुद किसान में हूं, इसीलिए मैं किसान का दुख दर्द समझ सकता हूं। लोग बोलते हैं वहां के, मराठवाड़ा के, विदर्भ के लोग बोलते, पश्चिम महाराष्ट्र ठीक है। मैंने कहा भैया पश्चिम महाराष्ट्र में क्या मुफ्त में बिजली मिलता है? मिलता है? 24 घंटा मिलता है? 1 घंटा भी नहीं मिलता है। लागोड़ी मिलता है? नहीं मिलता ना, मुझे सुनने नहीं दे रहा है, नहीं मिलता। तलाटी रखे क्या बर्खास्त करे? बर्खास्त करना चाहिए, जो बर्खास्त करना चाहिए हाथ उठाइए एक बार। कैमरा वाले उधर देखो भाई, कैमरा वाले उधर घुमाओ,
जनता क्या चाह रही है वो बता दो पूरी दुनिया को। ऐसा है, केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया सही है, महाराष्ट्र के किसानों के लिए ये सुविधा क्यों नहीं लाया गया? कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं कर सकते? जब तेलंगाना कर सकता तो आप भी कीजिए। इन तलाटियों के लूट मार से बचा लीजिए किसानों को। ये करने वाले बात नहीं करते, उल्टा सुलटा बोलने लगते हैं जो करने वाले। लेकिन जनता क्या चाहता है, अभी आपने हाथ उठा के बता दिया तो भी समझ में आ गया। कई कई बातें हैं, मेक इन इंडिया बोले देश के प्रधानमंत्री साहब ने। मेक इन इंडिया है तो हर शहर में क्यों चाइना बाजार लगता है? भारत बाजार कहां भाग गया है? क्यों चाइना बाजार ही दिखता है हर शहर में? बच्चे उड़ाने के पतंगों के मांजा, दीपावली के दिए, दीपावली के पटाखे, होली के रंग, ये सारे चाइना से आते हैं। क्या भारत में इतना भी सलाहियत नहीं है कि ये चीजें यहां बन सके? आप सोचिए इन बातों का, आपके गांव जाने के बाद सोचिए कि भारत बदलना है नहीं बदलना है। जरूर भारत का परिवर्तन ही आज के भारत के समस्याओं का समाधान है, कोई दूसरा नहीं समाधान है। पूरे नीतियां बदलना चाहिए, पॉलिसियां बदलना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। मैंने डट करके पूछा, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, तलाटी लोग जरूर हमारे खिलाफ वोट डालेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब जनता चाहता है, हम कुट के खुल के कहते हैं कि तलाटी चाहिए कि नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के हर प्रांत में मैं पूछ रहा हूं, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, नासिक में, हर जगह मैं पूछ रहा हूं। हर जगह की पुकार, जनता का पुकार यही है कि तलाटी निकाल दो। जैसा तेलंगाना में होता है, हमारा भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड करो, हमारा रिकॉर्ड सेफ रखो, जमीन सेफ रखो, कोई उल्टा सुलटा ना हो जाए। हमारे तेलंगाना राज्य में किसान धरणी पोर्टल में एक बार उनका जमीन, उनका नाम छिड़ गया, वो निश्चिंत है एकदम, उसका कोई नहीं बदल सकता। बदलने का अधिकार किसान को ही हमने दिया है। किसान का अंगूठा यानी कि बायोमेट्रिक लग के ही किसान का जमीन का ओनरशिप बदलता है तेलंगाना राज्य में। उसका कोई तलाटी नहीं बदल सकता, कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं बदल सकता, तहसीलदार नहीं बदल सकता, डिविजनल ऑफिसर नहीं बदल सकता, कलेक्टर भी नहीं बदल सकता, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी नहीं बदलता, रेवेन्यू मंत्री भी नहीं बदलता, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बदल सकता, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बदल सकता। सिर्फ किसान की जो भूमि है उनपे उनका जो अधिकार है, उनका जो पट्टा है, उसको बदलना है तो किसान की बायोमेट्रिक से ही बदलता है। ये भी आप अपने गांव में चर्चा कीजिए। जब तेलंगाना में यह सुविधा है उपलब्ध किसानों के लिए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? जो नेता लोग हमको हमारे ऊपर ये कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे पूछिए भैया केसीआर ने कह के गया, आप क्यों नहीं कर रहे ये बात, हमारे लिए क्यों नहीं ला रहे? तेलंगाना का महाराष्ट्र का बॉर्डर है 1000 किलोमीटर। आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं, किसी भी गांव में। यहां से सिर्फ 400-500 किलोमीटर में तेलंगाना पड़ता है। बालके जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर तहसील से एक बस या दो बस, एक बस में महिला एक बस में पुरुष आ जाए, बिल्कुल आकर वहां के पूरा एक दो दिन घूमे, हम आपका सत्कार करेंगे, हम आपके वहां के मंदिर का दर्शन करवाएंगे, उस सौभाग्य में दे दीजिए। हम आपके बिल्कुल लोगों को लाइए, एक हफ्ता 10 दिन में पूरे दिखा के हम बता देते हैं क्या क्या कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन करने जाओ 10 मिनट में हो जाता है, फिर पट्टा के लिए समय नहीं है, उसके बाद 5 मिनट में पट्टा भी हो जाता है, वहीं के वहीं पासबुक दे देते हैं आपके पास, जो 7-12 है इतना सा कागज देते हैं। हमारे पास कागज नहीं देते, हर किसान के पास जैसा पासपोर्ट होता है ना, उससे भी सुंदर सा पासबुक है उनके पास। और उनका कभी वो बेचते हैं खरीदते हैं तो पूरा उसी समय वेबसाइट में दिख जाता है, किसी ने यहां खरीदा, उनका बेटा अमेरिका में, वहां देख सकता है, अमेरिका में भी, दुनिया के किसी कोने में है, खाली वेबसाइट खोल दिया दिख जाएगा, हमारे पिता ने 2 एकड़ खरीदा है। ऐसे सुविधा यहां भी किया जा सकता है। हमको बोलने से बजाय ये काम कीजिए ना, ये काम कर सकते ना, टाइम है अभी सरकार के पास, काफी समय है, कर सकते, वो ये नहीं करते, उसको छोड़ के उल्टा सुलटा बातें करो, केसीआर को कुछ कहो, ए टीम कहो, बी टीम कहो, मैं साफ बता देता हूं पूरे महाराष्ट्रवासियों को, भारतवासियों को, बीआरएस किसी का टीम नहीं है, हम अपने आप में पार्टी है, हम किसानों का टीम है, हम दलितों का टीम है, पिछड़ों का टीम है और अल्पसंख्यक लोगों का टीम है।
पूरा भलाई करने वाला पार्टी है, ये किसी का बी टीम ये टीम बनने का हमारा कोई जरूरत नहीं है। 50 करोड़ यानी कि 50% यानी कि 70 करोड़ आबादी जब हमारे किसान है, अगर किसान बीआरएस के साथ है तो हमारे साथ टीम आ जाएंगे, हम किसी के टीम क्यों बनेंगे? किसान हमारे साथ है, आप बताइए किसान हमारे साथ है, जंग लड़ेंगे? अब की बार दल हो गए, आप लोग खाना तैयार है, जोर से बोलिए, अब की बार भगीरथ बाल के जिंदाबाद, बोलिए भगीरथ बाल के। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मेरे जो भी बातें हैं मैं एक बार विनम्र पूर्वक विज्ञापन करता हूं, मैंने जो कहा है अब तक आपने नहीं सुना है, इसलिए हर जगह मैं यही प्रार्थना करता हूं कि यहीं नहीं छोड़े, अपने गांव में जाके इसको चर्चा पे रखे, डिस्कशन करे, और सही है तो पूरे लाइन में लग जाइए, हम जीतेंगे। मैं भगीरथ बालके भी जीत जाएंगे, बीआरएस भी जीत जाएगा, आप तमाम लोग जीत जाएंगे, जरूर हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे युद्ध में न्याय है, नीति है, जरूर हमारे विजय प्राप्त होगा। फिक्र मत कीजिए, कुछ ही दिन में बदलेगा महाराष्ट्र, किसान का भविष्य भी बदलेगा। इतना कहते हुए मैं आपसे रुख्सत होता हूं, धन्यवाद। अब की बार धन्यवाद।